गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज स्टेट्स ऑफ मैटर की कुछ प्रॉब्लम के बारे में डिस्कशन करेंगे। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट ए प्रॉब्लम बेस्ड ऑन स्टेट्स ऑफ मैटर। प्रॉब्लम इज दैट इफ टेम्परेचर ऑफ गैस इंक्रीज फ्रॉम 27 डिग्री सेल्सियस टू 127 डिग्री सेल्सियस प्रेजेंट इन ए कंटेनर, देन कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ एक्सपेल्ड गैस फ्रॉम कंटेनर एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। ये क्वेश्चन बच्चों आपको दिया हुआ है, ठीक है, जिसका मतलब है कि गैस का ताप जो है वो 27 डिग्री सेल्सियस से 127 डिग्री सेल्सियस बढ़ा रहे हैं, और इतना ताप जो बढ़ा रहे हैं तो ये पूछ रहा है कि कितनी गैस जो रहेगी बाहर निकलेगी उसका परसेंटेज अब हमको पता करना है, ठीक है, और ये एक कॉन्स्टेंट एक नियत दाब पर पता करना है, ठीक है। तो अब आपको क्या दे रखा है, इसमें नियत दाब दे रखा है, इसमें कॉन्स्टेंट प्रेशर दे रखा है। नियत दाब अगर कांस्टेंट प्रेशर देगा, नियत दाब की बात करेगा, तो आप क्या बोलोगे, ईवी इज इक्वल्स टू एनआरटी, ये इक्वेशन लगाओगे और इससे आप बोलोगे कि ई जो है वो क्या है, वो कांस्टेंट है, ये नियत है, टी कांस्टेंट है। अगर टी कांस्टेंट है, आर कांस्टेंट होता है, गैस का कोई मोल लिया होगा वो भी डेफिनेट होगा, तो एन भी कांस्टेंट है, आर भी कांस्टेंट है, तो आप क्या बोलोगे, ठीक है, पी भी कांस्टेंट है, तो वी प्रोपोर्शनल आप क्या बोलोगे, ये पूरी टर्म्स जो है आपकी, ये भी कांस्टेंट है, ये भी नियत है, ठीक है, तो आप बोलोगे यहां से वी प्रोपोर्शनल टी, वी प्रोपोर्शनल टी। इट मींस व्हेन प्रेशर एंड एन एंड आर इज कांस्टेंट, देन वी कैन से वॉल्यूम ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर ऑफ गैस, ये अपन बोलेंगे v प्रोपोर्शनल टू t। अब इस v प्रोपोर्शनल टू t से क्या बात करेंगे, देखो कंटेनर लो सबसे पहले, ये आपने कंटेनर लिया, ठीक है, ये कंटेनर है, इसके अंदर गैस फिल है, यहां पर गैस है, ठीक है, और गैस का कोई वॉल्यूम है, मान लेते हैं इनिशियल वॉल्यूम जो है वो v है। अब क्या कर रहे हैं, और ये गैस अभी कितने पर है, टेम्परेचर इसका जो है T1 वो आपका दे रहा है 27 डिग्री सेल्सियस, इसको केल्विन में चेंज करो, 27 डिग्री सेल्सियस इसको केल्विन में चेंज करेंगे तो 273 वी विल ऐड, 273 अपन ऐड कर देंगे, देन वी विल गेट 300 केल्विन, सो दिस वन टेम्परेचर इज इन केल्विन, ये अपने केल्विन में ताप है। अब अपन बात कर रहे हैं कि इसका टेम्परेचर कितना इंक्रीज कर रहे हैं, 127 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, इतना बढ़ा रहे हैं, इतना तापमान बढ़ा रहे हैं, देखो इसमें 120 डिग्री सेल्सियस, तो बाहर का जो टेम्परेचर हो जाएगा कंटेनर का, ठीक है, वो क्या होगा, T2 इज इक्वल टू, आप बोलोगे 127 और प्लस आप क्या बोलोगे 273, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 400 केल्विन, ये 400 केल्विन हो जाएगा, ठीक है। और अगर ऐसी कंडीशन होगी तो टेम्परेचर जब आप बढ़ाओगे, तो बढ़ाने पर यहां से बोलोगे कि टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो वॉल्यूम इंक्रीज होगा, वॉल्यूम अगर इंक्रीज होगा, वॉल्यूम बढ़ेगा, ठीक है, आयतन बढ़ेगा, कब, जब तापमान बढ़ाओगे तब, ठीक है, तो यहां से देखो टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, तो टेम्परेचर बढ़ाने से, तापमान बढ़ाने से आयतन क्या हो जाएगा, इसका बढ़ जाएगा, तो आयतन बढ़ेगा, आयतन बढ़े हुए आयतन में से कुछ आयतन जो वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है उसमें से कुछ गैस जो रहेगी वो क्या हो जाएगी, एक्सपेल हो जाएगी, बाहर निकल जाएगी, मान लेते हैं कि वो आयतन जो है जो एक्सपेल हो रही है, जो बाहर निकल रही है, दिस वन वॉल्यूम इज वी डैश, ये आयतन अपन ने कितना मान लिया, वी डैश, तो यहां पर वी डैश जो है वो क्या है, एक्सपेल्ड गैस है, एक्सपेल्ड गैस का मतलब जो गैस बाहर निकली है उसका आयतन है, बाहर निकली वाली जो गैस है उसका आयतन है ये वी डैश, फिर इसमें कितनी रह जाएगी, इसमें फिर वी रह जाएगी, जितनी देखो यहां पर वॉल्यूम आपने लिया था ना स्टार्टिंग में, उतनी गैस इसके अंदर रहेगी, और जो टेम्परेचर आपने यहां पर एकदम से 100 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दिया ना, उसकी वजह से जो आयतन बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा, वो वाली गैस यहां से क्या हो जाएगी, बाहर हो जाएगी, तो वो गैस अपन उसका वॉल्यूम जो मानेंगे वो अपन को पता नहीं है, तो वी डैश मानेंगे। तो इंपॉर्टेंट चीज यहां पे आ जाएगी कि बाहर का जो वॉल्यूम है वी टू वो कितना हो जाएगा,
मीट हो जाएगा V और प्लस में क्या लिख देंगे V डैश, ये लिख देंगे। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बता रहा हूं आपको, एक बहुत अच्छी प्रॉब्लम बता रहा हूं और ये बेस्ड है स्टेट्स ऑफ मैटर में, किस पर बेस्ड है, यहां पर P कॉन्स्टेंट है तो ये चार्ल्स लॉ पर बेस्ड है, तो यहां पर कौन सा लॉ लग रहा है, चार्ल्स लॉ, चार्ल्स लॉ पर बेस्ड है। तो चार्ल्स लॉ के अकॉर्डिंग ये बोलते हैं कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टू टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, नियत दाब पर V जो है आयतन गैस का वो ताप के क्या होता है, समानुपाती होता है, इसको बोलते हैं बच्चों चार्ल्स लॉ, चार्ल्स का नियम बोला जाता है इसको, ठीक है। तो यहां से बाहर का वॉल्यूम ये आ गया, पहले का वॉल्यूम ये है, अब आप क्या बोलोगे यहां से V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, तो अब देखो आप यहां से बोलोगे आप V1 अपॉन V2 इज इक्वल्स टू, आप क्या बोलोगे T1 अपॉन T2, ठीक है। V1 की वैल्यू कितनी है, V1 की वैल्यू है V, यहां से आप देखो V1 की वैल्यू V है, और V2 की वैल्यू कितनी है, V2 की है क्या V प्लस V डैश, ठीक है। और इनिशियल टेम्परेचर कितना है 300, बाहर का टेम्परेचर कितना है 400, ये दो जीरो से दो जीरो कैंसिल हो गए, तो ये आपका आ जाएगा क्या 4V इज इक्वल्स टू कितना आएगा, इज इक्वल्स टू आ जाएगा 3V प्लस में क्या आ जाएगा 3V डैश, यहां से V डैश कैलकुलेट कर लेंगे, V डैश जो आएगा वो कितना आएगा V अपॉन 3, ये आपका क्या आ गया, ये आ गया वॉल्यूम ऑफ एक्सपेल्ड गैस, जो गैस बाहर निकली है उसका आयतन V डैश आ गया। अब आपको ये पता करना है कि परसेंटेज ऑफ एक्सपेल्ड गैस, कंटेनर के अंदर जो टोटल गैस देख लो आप, तो ये तो V है और V डैश कितना है यहां पर V बाई 3, तो टोटल गैस जो है यहां पर थी जो पहले वो कितनी है, V2 कितना है टोटल, आप तो ये चेक कर दो, तो V2 जो अपन निकालेंगे वो कितना आ जाएगा आपका, तो V2 इज इक्वल्स टू आप बोल दोगे यहां से V प्लस, और ये जो आया है वो कितना है V बाई 3, ठीक है। तो इसको एड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 4V बाई 3, ये आ गया आपका क्या V2, ये V2 आ गया, ये वॉल्यूम आ गया इस कंटेनर का, जब टेम्परेचर क्या किया आपने इंक्रीज आ गया, ये टोटल वॉल्यूम है, टोटल वॉल्यूम कितना आ गया 4V by 3 आ गया, तो परसेंटेज कितनी होगी, परसेंटेज होगी ये V डैश जो रहेगा ये अपन का इसका, इसकी वजह से परसेंटेज कैलकुलेट करना है, इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी जो वैल्यू है वो है कितनी V by 3, तो परसेंटेज ऐसे करेंगे इसका वॉल्यूम रखेंगे परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए V by 3 रखेंगे, टोटल कितना वॉल्यूम है अपने पास, टोटल पे परसेंटेज चेक करोगे आप, तो टोटल इस गैस का, ठीक है, जो इसका है और जो निकली है वो, तो टोटल जो है वॉल्यूम कितना है, ये वाला V है और ये वाला कितना है V by 3, टोटल है अपने पास 4V by 3, तो टोटल पे इसे क्या करोगे आप डिवाइड कर दोगे, ठीक है, इनटू में क्या करोगे 100 कर दोगे, ठीक है। तो अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा आपका 25%, तो आप ये बोलोगे कि 25% गैस जो है इसमें से क्या होगी बाहर निकलेगी, इतनी गैस क्या होगी एक्सपेल्ड होगी, ठीक है। इस तरह के जो क्वेश्चन है ये आपके पूछे जाते हैं क्या आईआईटी और नीट में, तो बहुत इंपॉर्टेंट मैंने आपको प्रॉब्लम बताई, आई होप आपको मजा आया होगा, क्वेश्चन आपको अच्छा लगा होगा, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, ठीक है, थैंक यू सो मच बच्चों, अगले नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, थैंक यू सो मच।